मेरे मेरे हाथ में जो भी आएगा सो पड़ जाएगा। गाइस मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। आप क्यों मुंह बंद कर। आज आप बनाने वाली हो क्या साबूदाने की खिचड़ी? हाँ। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और आज मम्मी बनाने वाली है क्या बोलते हैं साबूदाने की खिचड़ी। हाय गाइस अभी हम लोग मंदिर से आ चुके हैं, मैं, सागर और नानी, हम लोग तीनों मंदिर गए थे। मैं वीडियो वहाँ पे कुछ भी बना नहीं पाया क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइन थी और बहुत सारा भीड़ था वहाँ पे, बहुत भीड़ था, तो उस हिसाब से मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरे को नानी को भी संभालना था, मेरे को बहुत सारे सामान भी संभालने थे। तो अभी घर पे आया हूँ, नानी बनाने वाली है साबूदाना का खिचड़ी और बहुत अलग अलग चीज़ें बनाएंगी, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या करने वाले आज हम लोग। तो जाना दीदी के साथ, तू भी जो करने कर क्या। बहुत रश है बाप रे, इसमें कभी रश नहीं होता था, पहला साल देखा इतना रश। मंदिर में जहाँ गए थे गाइस, ये हम लोग इसमें इसलिए पीते हैं क्योंकि इसमें ठंडा जल्दी हो जाता है। गाइस कॉम्बिनेशन देखो, आज मेरी नानी रख रही है पास, तो केला के साथ वो पीने वाली चाय। टेबल चाहिए आपको? आज महाशिवरात्रि स्पेशल पे आप बनाने वाली हो क्या खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी? ए मम्मी बात किया करो, आप बहुत बोरिंग लगता है वरना व्लॉग। वड़े और क्या, रगाई राजगिरी की पूरी और आलू की सब्जी, पता नहीं बना पाएगी या नहीं तीनों, बट देखते अभी पहले कटिंग खत्म कर दो। झूठ बोल रही है, इतना मारूंगा पकड़ के। मेरा मिस कॉल मम्मी के फोन में देखी, मैंने देखा ही नहीं। मंदिर जा रही है, मैं पहले निकल नहाने से पहले आपको फोन किया, चलना है तो मैं लेके जाती हूँ करके। अरे तू बुढ़ी होगी, तू क्या ले जाएगी दूसरी बुढ़ी को? लेके जाऊंगी बराबर से। जाके आई तू, जाके आपके पीजे लोग को मिली ना उधर लाइन में खड़ी। गाइस ये रजनी है, इसने मुझे बचपन से पाला है, पोसा भी है, और रजनी ने मुझे पैदाइशी से देखी है ना। अरे देखा है कि नहीं? देखा है, बट ये बुढ़ी नहीं होगी, जवानी जवानी रह गई है। आलू कटिंग हो चुकी है और सागर ने डिसाइड कर लिया कि वो अपना कार्ड देने वाला है मम्मी को, तो मम्मी अब आज बहुत खुश है महाशिवरात्रि पे। बिस्किट भी आना चाहिए अगर कार्ड दे रहा हो आपको, तो सुन रही हो ना, इससे कुछ भी नहीं लाती हूँ, दाल वाल के अलावा कुछ भी नहीं लाती हूँ। इसका बिल बढ़ता है तो चिल्लाए मैं क्या करूँ, 30 का बजट दिया मैंने, 30 से ज्यादा। ये लो, कढ़ाई गिर गई मम्मा, 30 के ऊपर 1 रुपए खर्च करोगी ना तो सागर बहुत कूटेगा आपको। हाँ कूटेगा आपको, हर महीने की जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ती है। तो कूटेगा मेरे मेरे हाथ में जो भी आएगा सो पड़ जाएगा, मेरा कुछ ना बाहर में रहेगा। कढ़ाई लाओ, तेल दे के पट्टे साले लगे बैठी हुई है। गाइस तेल डाल दिया है, अभी इसमें आलू डालने वाली है। अरे फ्राई करने वाली हो क्या आप आलू? इसका क्या करना है अब, तो ये मतलब ही नहीं बचा अभी इसका। क्या है ये? तो वही है ना सिंगदन आपका, क्या नहीं मतलब बचा, तो इसका क्या करोगे अभी आप? तो आप लोग में से किसी ने कभी खाया है ये? और पता है कितना पुराना है ये पार्ले का किसमी। तो क्यों पहले निकाला? तो अभी गाइस ये डाला है सिंगदाना, इसको अभी थोड़ा भूनेंगे क्या बोलते हैं, भूनेंगे और उसको रोस्ट करेंगे और उसको मिक्स करके खाएंगे इसमें साबूदाने की खिचड़ी में। चटके ना लगे आराम से। ताकि तेल इसमें निकल जाए नीचे। हाँ बस ज़्यादा मत डालना मम्मी, और मत डालो, जगह ही नहीं है उसमें। ये किसके लिए बना रही हो आप? अभी आधा कच्चा पक्का पका के रखती हूँ। क्यों, मैं ये बना ही लो ना, मैं खा ही लेता हूँ एक, बहुत टाइम लगने वाला है खाने को यार, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं भूख से मर जाऊँगा भाई। इससे भी इससे साफ करने के लिए भी अभी मिक्स कर रही हो साबूदाना में, मिक्स किया है ये क्या बोलते हैं इसको यार, सिंगदाना का पाउडर बना के इसमें मिक्स किया है क्योंकि एक अलग स्वाद आता है और बहुत मज़ा आता है खाने में।
अब जाएगा इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया। बेस्ट मास्टर शेफ इन द वर्ल्ड, जो मेरी नानी बना सकती है वैसा कोई कोई भी नहीं बना सकता है। सबका मान, सबका कहना यही है, सबकी नानी अच्छा ही बनाती है। और वो पंडित को बोला हाँ खिचड़ी बना रही हूँ, क्या करेगी इनको, मैं अभी ये बोलते खाना है इनको, रिश्ते थोड़ी ना चलते हाथ से। क्यों वापर रही है मम्मी, छुरी से क्यों कर रहे हो आप यार? छुरी से मैं कर रही हूँ, मुझे मालूम है नीचे चिटक रहा है। ओ। अरे तो इससे करो ना। नहीं ना, उससे टूट रहा है, ये देख टूटा है, ये देखिए टूट गया मेरा। ये कौन सा करेगा छुरी से? अरे करते है बेटा, यही चीज अगर मैं करती तो आप 50 चीजें सुना दे मुझे। अब बेटी सिखाएगी माँ को, ये दिन आ गए मम्मी आदि आपके दो शराब प्या वैसे मैं अवॉइड करता हूँ सेंधा नमक खाना, मेरे को मालूम है अच्छा होता है बट मुझे पसंद नहीं इसका स्वाद। मैं नॉर्मल व्हाइट सॉल्ट, मम्मी आप ज्यादा मत डाल देना बस। पहले ही डालना पड़ता है कि मम्मी ये भी? तो अभी थोड़ा क्रश करेंगे इसको ताकि गोले गोले ना रह जाए, वरना हम में से किसी के मुंह में बहुत नमक आ जाएगा। पूरा डाल दोगी क्या? हाँ डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है। और कुछ डालना तो नहीं है? हल्दी वल्दी, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, कुछ नहीं? और मेरे को मालूम है साबुत ने बहुत कम बनाया आपने, उसने बनाया हुआ है ना एक, तो उसको ऐड क्यों नहीं कर रही हो आप? ऐड करो क्योंकि कम ही है, फिर बाद में बहुत झगड़े हो जाएंगे। हाँ डालो डालो, और बहुत कम ही है भाई, गुड्डू भी खाएगी, हम भी खाएंगे, तुम भी खाओगे, सब खाने वाले। अरे कुछ नहीं चलेगा, ज्यादा काला खा गई। वाह वाह, गरम गरम साबुदाना के वड़े, बेबी ने तेल में डाला है अभी थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा जीरा इसी में डालोगी साबुदाना? हाँ कितना तेल लगता है? आज मेरा आखिरी दिन है कि मैं साबुदाना खाना वाला, क्योंकि बहुत ऑयली होता है और इसमें बहुत मोटापा भी होता है, काब्ज है ये, टोटल प्योर काब्ज, तो जिसको वेट लूज करना है वो ही खाए, बिल्कुल भी नहीं सकता है गाइस, क्योंकि उसमें आलू भी जाएगा, उसमें इतना सारा तेल जाने वाला है। बाप रे बाप, लुक एट द अमाउंट ऑफ ऑयल मैन, इतना तेल होता है इसमें यार, शिट। बट यही सब चीज़ों में स्वाद बहुत है और मज़ा भी आता है खाने। तो तैयार हो चुका है गाइस, हमने उसका थोड़ा पानी भी सोख लिया क्योंकि इसमें मिक्स करेंगे क्योंकि कम पड़ने वाला है, इसमें भी डालेंगे ताकि कम ज़्यादा ना हो जाए। ये भी तो डाल देती, आप कर पाओगी? चिपक रहा है क्या, उठा पाओगी आप? हाँ बहुत तेल है ना, मैंने बोला ना आपको बहुत तेल है मम्मी। कुछ नहीं भाई, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा हमारा तो। मैं तेल डाल दूँ मम्मी, इसमें डालू? मैं डाल, आप उसको करने दो, उसको करने डालो। हाँ वो मिक्स नहीं कर, पहले मिक्स करता जाना, उसको मिक्स करने दो, वो चलेगा, छोड़ दो, मिक्स कर दो भाई, कटो आप। देखो गाइस, हम खाना कम खाते और तेल ज़्यादा खाते हैं। मम्मी ऐसे लगती है। देना थोड़ा सा ही देना, डालो हाथ में, डालो हाथ में, डालो में। नहीं डालो हाथ में, बस कर दिया यार, क्या छोड़ना है? मम्मी देखो कितना, और थोड़ा सा, बस बस काफ़ी है। मिक्स कर दो,
अभी आलू भी डालेंगे ना उसमें, तो बस पर नींबू अब इसमें मत डालना, आपने अपने प्लेट में डालना बेटर होगा। हाँ नींबू लाए हैं भी नहीं, नहीं अगर खाना हो तो। अब इसमें आलू डाला गया है, लास्ट स्टेप पे आलू डाल के बंद कर दो बस, और तैयार हो गई आपकी साबूदाना की खिचड़ी। लोगों को तकलीफ होती होगी क्योंकि हम लोग भी डेली बिस्लरी मंगाते और हम लोग को इसके बारे में मालूम नहीं था। ये सागर ने अभी जस्ट मंगाया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ऐसे ही पकड़ना ठीक है, देखो और इसको ऊपर से बंद कर दो, बस आपको इसको कनेक्ट करना है। तो ये अमेजोन पे मिलता है ये प्रोडक्ट, देख लो आप गौर से देख लो, अगर आपको मंगाना तो आप लोग मंगा लेना, बहुत कन्वीनियंट चीज़ है ये। थोड़ा ये क्या बोलते हैं इसको, पीनट, पीनट्स डाल दिया करो स्वाद के लिए। ठीक बने, नमक कम हो गया है। अबे तुम लोगों का कुछ पता भी होता है, ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है, तो उसको बढ़ा दे। नहीं नहीं सॉस दे दो, मैं सॉस खाऊंगा। कौन सा? टमाटो केचप। मम्मी हाउस स्टैंडिंग, आप अप्रूव्ड हो और अब आप जा सकती हो मास्टर शेफ ट्राई कर सकती हो। ये एज में भी बहुत लोग इंस्पायर हो जाएंगे आपसे। राजगिरी की पूरी और आलू की, आलू की जो कि मम्मी अभी बनाने वाली है। शाम के बज गए 7 और मम्मी के बज गए 12। मैं चक के आपको बताता हूँ कि कैसा बनाए। अरे इतना कम कम टेबल पे चला गया सारा, आप बोल रहे कम टेबल पे चला गया। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि वो कैसा लग रहा है। मम्मा बाप रे बाप, तेल ज्यादा नहीं है? मैं चक के एक बार आपको बताता हूँ कि ये बना कैसा है। दो मानी गाइस, झूठा नहीं करूँगा, सिर्फ आपको टेस्ट करके बताऊँगा कि ये लग कैसा रहा है। मम्मी क्या बनाई हो, बट नमक कम लग रहा है मुझे। अबे भी कम मार डालोगे, हटो। साले 10 बार मैंने नमक डाला, जो आता है वही बोलता है नमक कम है नमक कम है। सबने बोला तो मतलब कम ही होगा ना, बेवकूफ थोड़ी ना। 10 बार डाल चुकी हूँ। लगता है वो तेल नमक खींच रहा है। अब मिलूंगा मैं आप लोगों को सबको टेबल। गुडू कैसा फील हो रहा है आपको, बेटर फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है भी आपको थोड़ा? मॉम को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है। क्या हुआ है? कंजंक्टिन क्या बोलते हैं? कंजंक्टिवाइटिस क्या बोलते हैं? कंजंक्टिवाइटिस हुआ है मॉम को, तो अभी दवाई लिए उन्हें ठीक हो जाएगी वो, और अभी हम लोग मिलेंगे आपको डिनर पे। क्या बोल रहे हो? बुक्कू को बुलाओ। मम्मी इज कॉलिंग यू, चलो। शी इज वेटिंग ऑन द टेबल, यू कैन प्ले द गेम लेटर। आभार। आ रही है गरम गरम पुड़िया, मेरी माँ बना के लेके आ गई है, अब हम पेलेंगे। जय भोलेनाथ। मम्मा आपको पता है ना कि यहाँ पे घर का मर्द बैठता है ये जगह पे, आपको ये मालूम भी है कि नहीं? इतना तो मालूम होगा। और ये जो घर की हेड होती है वो वहां पे बैठती है, और जिससे मैं ज्यादा प्यार करता हूँ मेरे बाजू में बैठती है। अरे धूप लग रही है मैडम को, धूप लग रही है। ये क्या हाल बना दिया है घर में यार। मॉम मेरी कैरेक्टर से निकल ले रही है। कौन सा कैरेक्टर? मेरी माँ को लग रही है धूप। सबसे बड़ा कैरेक्टर तू है घर में। गाइस मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। ये सब अच्छा अच्छा मेरी माँ के बारे में बोलो, मेरी नानी बहुत खुश होती है। वो टाइम पे पूरी खाते हैं अच्छी तरह से। सागर तेरी बुराइयां हो रही है। अष्टमी की बनती है ये दूध, बहुत क्रिस्पी बनी है तेरे लिए। बना लिया सर, ये दो प्लेट। हम वैसे तीनों काफी सालों बाद बैठे एक साथ, ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल हो गए। ऐसा
ऐसा कुछ नहीं है, तू बहुत सस्ता। मेरी माँ के पास समय नहीं है ना, वो शूटिंग करती रहती है तो उनके पास टाइम नहीं मिलता है। और आज मेरी माँ को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है। कंजंक्टिवाइटिस। आप क्यों मुंह बंद कर हसमत हंसती रहती है बेफालतू का। दांत तो है नहीं, पता दांत गायब है सारे, हंस रही है जोर जोर से। हेलो मैं टेबल हिल रहा है। तो मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ गाइस, और मैं बहुत थक चुका हूँ। डेली व्लॉग बनाते बनाते बहुत मेहनत लगती है। हैट्स ऑफ टू दोज व्लॉगर्स आउट देयर जो डेली व्लॉगिंग करते हैं। भाई बहुत स्ट्रगल है मोमेंट्स कैप्चर करना, और फिर उसके बाद एडिटिंग पे घंटों घंटों तक बैठना, मतलब ये बहुत बड़ा टास्क है बॉस। मुझे ही पता कि मैं कैसे कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर loving my vlogs and showing me so much love. I know aap log vlog meri nani ki wajah se dekhte ho. Thank you so much for loving her as well, means a lot. And I shall see you all soon. And yahan pe jo bhi Delhi mein rehta hai, main Delhi ja raha hu, 24 tarikh ko pahunch jaunga. Chashme nikalo, acche nahi lag rahe na? Ha, ab kaisa lag raha hai? Pehni leta hu. Ab video band ho gaya tha. So guys, see you soon. Love you all. Take care. Bye.